भाई बिग बॉस के घर में शेफाली जरीवाला ने तो हद ही कर दी है। अब हर जगह से अब उनका नकाब उठ रहा है और ये सब कुछ देख के हमारे खेसारी लाल यादव हैरान हो चुके हैं कि किसी खूबसूरत चेहरे के पीछे इतना कुछ भी छुपा हो सकता है। जी हाँ, असीम और सिद्धार्थ की जो लड़ाई हुई उसमें शेफाली का एक नया ही रूप लोगों को देखने को मिला। साथ ही साथ खेसारी लाल यादव शेफाली के साथ बैठ घंटों बातें किया करते थे, प्लानिंग भी किया करते थे। और अब खेसारी ने जब उनका ये रूप देखा है तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई है कि कोई खूबसूरत चेहरे वाला इंसान इस कदर हो सकता है कि सबके साथ इतना प्लानिंग कर सकता है। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि शेफाली किस तरह से अपना एक अलग ग्रुप बना रही थी, फिर वो आसिम को उसमें अलग ही ट्रीट कर रही थी और सिद्धार्थ के साथ उनकी नज़दीकियां अलग ही बढ़ रही थी। और तो और वो घर में तीसरा ग्रुप खेसारी लाल यादव और हिंदुस्तानी भाव का बना रही थी। अब ये सारा नकाब शेफाली का हटने के बाद कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव ये जरूर सोच रहे होंगे कि बिग बॉस के घर में लोग आते तो मीठे मीठे हैं, यानी बातें मीठी करेंगे, आपके साथ भी मीठे मीठे रहेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपकी एक कसर नहीं छोड़ेंगे। कुछ यही हाल शेफाली जरीवाला ने किया है घर वालों का। जी हाँ, सभी के ऊपर इस तरह से जादू किया कि आते ही कैप्टन बन गई और तो और हर जगह उन्होंने इंटरफेयर करना शुरू किया। सभी के कामों में सभी लाइव से बातें जाननी चाहिए, लेकिन आप ये कभी नहीं जानते होंगे कि शेफाली ने अपनी पर्सनल लाइफ किसी के साथ डिस्कस नहीं की। वैसे आपको बता दें कि अगर आप शेफाली के बारे में नहीं जानते तो आपको तो याद होगा कांटा लगा गाना। अगर वो भी याद नहीं है तो मीत ब्रदर याद हैं? जी हाँ, मीत ब्रदर के छोटे भाई से उनकी शादी हुई थी, फिर शादी 1-1.5 साल चली और टूट गई। उसके पीछे रीज़न बताया गया कि इन दोनों की आपस में नहीं बनती थी। और अब शेफाली ने दूसरी शादी कर ली है। दूसरी शादी उनकी ठीक ठाक चल रही है क्योंकि उनके पति महोदय हमेशा मीडिया में आकर अपनी पत्नी की तारीफें ही करते रहते हैं और कहते हैं शेफाली जिस तरह खेल रही हैं शायद घर में कोई नहीं खेलेगा। तो बात भी सही है भाई, शेफाली ने पहले हफ्ते में आते ही अपने घर वालों को अपना दमखम दिखा दिया है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि शेफाली कौन सा नया मोड़ घर में लाती हैं। वैसे भी शेफाली की सच्चाई जानने के बाद खेसारी लाल यादव ने सिद्धार्थ शुक्ला की टीम ज्वाइन करना ही बेहतर समझा है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल।